बरेली के शाही थाने में तैनात दरोगा और हेड कांस्टेबल पर 50,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। वहीं अब रिश्वत लेने के मामले में मंगल बाल को दरोगा, हरिदास वर्मा और हेड कांस्टेबल नाजिम को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि दोनों शाही थाने में तैनात थे। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद SSP रोहित सिंह सजवाण ने मामले की जांच CO मीरगंज रामानंद राय को सौंपी थी। जांच में आरोपी सही पाए जाने पर दोनों निलंबित कर दिए गए हैं। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा भी दर्ज किया गया। दरअसल वायरल वीडियो में दोनों छेड़छाड़ के निरस्त हो चुके मामले में आरोप पत्र लगाने के नाम पर रिश्वत मांगते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया है जो थाना शाही से संबंधित है, जिसमें दो पुलिसकर्मियों के द्वारा कुछ लोगों से पैसे मांगने की बात चल रही है। इस पूरे प्रकरण के बारे में क्षेत्राधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया है। उपरोक्त प्रकरण अक्टूबर माह का लग रहा है। इस पूरे प्रकरण में दोनों ही पुलिसकर्मियों के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और दोनों ही पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चल रही है।